अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुदा ब्यूटी कॉस्मेटिक। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। कुछ मसरूफियात, कुछ दिल भी नहीं कर रहा था, कुछ नेटवर्क इशू भी रहा है इन दिनों, तो बस कुल मिला के ऐसा हुआ कि जो है वो वीडियोज़ नहीं बना सकी। तो आज मैंने सोचा चलो अभी आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर कर लूँ। तो आज की जो है वो हमारी वीडियो जो है वो स्किन केयर को लेकर है, यानी कि आपके फेस को लेकर है। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक सब्सक्राइब और जो है वो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली मजीद न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो बरवक आप लोगों को मौसूल होते रहें। ठीक है जनाब, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और लाजमी लाजमी एक चीज़ कि आप लोग जब भी मेरी रेमेडीज़ या प्रोडक्ट मुझसे परचेज़ कर रहे होते हैं या मेरी रेमेडीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, तो मुझे प्लीज़ रिव्यू लाजमी दिया करें, बताया करें, ताकि आपके रिव्यू से किसी और का भी भला हो जाए, कोई और भी यूज़ करे किसी को। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जो हैं वो अक्सर उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जहाँ के रिव्यूज़ अच्छे होते हैं। तो अगर आप लोग ने जो है जो भी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो उनके रिव्यूज़ हैं, आप लोग रिव्यूज़ लाजमी दिया करो कमेंट्स में आके। और साथ में अगर मेरी रेमेडीज से आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा होता है तो लाजमी आके बताया करें, ताकि जो परेशान हैं बेचारे कुछ लेडीज़ हैं या कुछ जेंट्स हज़रात हैं, क्योंकि रेमेडीज़ जो हैं वो ऐसी हैं कि जेंट्स लेडीज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो परेशान होते हैं, जो प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए और वो घर पर रखी हुई कुछ चीज़ों से ये अपना जो है घर बैठे ट्रीटमेंट करें। तो चलिए जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं फेस मास्क, जिसके लिए हमें जो है वो जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स की नीड है, और ये तीनों आपको बआसानी अपने घर में एट अ टाइम मिल सकती हैं। जो तो जी, सबसे पहले हमारे पास रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, और सेकेंड जो है वो हमारे पास हमें चाहिए बेसन। बेसन के बाद हमें चाहिए एक अदद अंडा। मैंने जर्दी निकाली है और क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैंने जर्दी लिए, और जिनकी जो स्किन है ड्राई स्किन है तो वो एक वाइट यूज़ करें। ठीक है जी, मतलब आपका अंडा ज़ाया नहीं होता है कि आप अंडा लें और उसमें से वाइट निकाल के साइड पे कर दें और जो है वो जर्दी इस्तेमाल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक घर में बहुत से लोग होते हैं, सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो क्लियरली बता रही हूँ कि जो एक योक है वो ऑयली स्किन के लिए, और एक वाइटनिंग जो है वो आप लोग ऑयली ये ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और आप लोगों का जो फेस का लुक आएगा इस मास्क को लगाने के बाद, बिल्कुल कोरियन लुक। अक्सर लोग बोलते हैं यार ये कोरियन इतनी जो है ना वो इतनी ब्यूटी और इतनी खूबसूरत क्यों, कैसे होती है, मतलब क्या करती, तो भाई कुछ भी नहीं करते, वो भी यही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलें आज मैं आप लोग, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, सबसे मज़े की बात है मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं 3 to 4 टाइम घर पे खुद यूज़ कर चुकी हूँ, इसके रिजल्ट्स मैंने खुद लिए हैं, देन मैं आप लोगों के साथ इसका जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो चलें रेमेडी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे भाई एक छोटा सा बाउल जिसमें हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद हम लोग लेते हैं, ये मैंने जो है वो एक यॉक निकाल के रखी हुई थी क्योंकि मैंने जो है वो कबाब बनाए थे, तो मैंने एक वाइटनिंग उसमें इस्तेमाल कर लिया, और योग मुझे निकाल के रखी हुई थी मैंने कल से कि मैं वीडियो बनाऊंगी, और कल से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, दैट्स वाई मैंने आज मैंने कहा कि इससे पहले योग ही ख़राब हो जाए तो मैं बना ही लूँ। तो सबसे पहले जी हम ले रहे हैं अपनी एक अदद, ये जो है वो योग इनफ हो जाती है एक फेस के, मतलब 2 से 3 फेस बआसानी आप इससे लगा सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं हमारा जो है वो बेसन। बेसन भी आप जो है वो छोटा चम्मच है, मतलब टेबल स्पून है तो आप हाफ लें, और टी स्पून है तो वो आप एक अदद फुल कर लें। तो ये मैंने लिया है इतना सा, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारा आ रहा है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, हमारा रॉ मिल्क यानी कि हमारा कच्चा दूध। कच्चे दूध का भी आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन 1 चम्मच ऐड करना चाहें भी आपकी मर्जी, 2 चम्मच ऐड करना चाहें भी आपकी मर्जी। मैं यहाँ क्योंकि मेरी सिस्टर भी हैं वो भी साथ में यूज़ करेगी, तो इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच ऐड कर देती हूँ, और इसको जो है वो मैं जनाब कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। मिक्स इस कदर करना है कि ये आपको एक क्रीमी फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, एक योग
और ये बेसन और दूध, इन तीनों को कुछ इस तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजा हो जाए और एक प्यारा सा पेस्ट बनकर हमारे सामने आ जाए। ठीक है जी, तो चलें जी, ये मैंने इसको जो है ये देख लें, अच्छे से मैंने इसको मिक्सअप कर लिया है। अब ये मैं जो है वो आप लोगों को हैंड पे लगा के शो करवा सकती हूँ, क्योंकि जो है ये अक्सर, अभी आप लोगों को पता है जैसे अभी चल रही हैं गर्मियाँ, बहुत ज़्यादा गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है फेस पे, कि ना पूछें क्या हालत हो जाती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरा ऑयल हमारे जो है वो फेस से निकल रहा होता है और उसी से ही निकाल के कुछ पका वो गोलो। तो ये जो है ये आपके ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है ये मास्क। मैं 3 to 4 times यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है, तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो ऑयल निकल रहा है फेस से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा कराची में बढ़ गई है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ रेमेडी भी शेयर करूँ और साथ साथ जो है वो अपना भी फ़ायदा कर लूँ। तो ये है जी हमारा, इस तरीके से कुछ इस फॉर्म में हमारा जो है वो मास्क रेडी हो जाता है। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद बेसन को ऐड कर सकते हैं थिक करने के लिए, जैसे एक थिक लेयर चाहिए आपको तो आप बेसन को मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी ठीक है, इनफ है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ये हमारे हैंड पे हम कुछ इस तरीके, अभी आप मेरे हाथ की भी कंडीशन देख लें, ये देख लें, तो यहाँ मैं आप लोगों को ये लगा के दिखा रही हूँ, तो ये मैं लगा रही हूँ। अच्छा जी, बार बार बोल रही हूँ, क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट, ये इतना है कि दो फेसेस पे आराम से लग जाता है। ठीक है, थिक करना है आप बेसन का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि मुझे थिक नहीं करना, क्योंकि थिक की फिर लेयर जो है ना वो बहुत लेट ड्राई होती है और फिर बैठे रहना पड़ जाता है इसके चक्कर में, तो मैं थिक नहीं लगा रही हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो बस इतनी सी जो है वो इसकी टेक्सचर रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत आराम से ड्राई हो जाता है और ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। तो थिक लेयर के लिए फिर बहुत देर वेट करना पड़ता है कि वो ड्राई हो, ये जल्दी से हो जाती है। ठीक है जी, और बहुत ही मैं बता रही हूँ कि कमाल के, कमाल क्या मतलब, आउट क्लास से इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चले, मैंने ये हैंड पे आपको लगा के शो करवा दिया, जब तक ये ड्राई होता है तब तक मैं फेस पे भी लगा ही लूँ, और फिर ड्राई होने के बाद मैं आपको हैंड का इसका रिजल्ट शो करवा देती हूँ कि ये देखें ये कितना ज़बरदस्त सा जो है वो रिजल्ट देता है ये मास्क। बिल्कुल कोरियन स्किन हो जाती है, सी ग्लो करती है स्किन, ना कि देखने वाला आपसे एक बार तो लाजमी पूछेगा कि आपने किया क्या है अपने फेस के साथ, इतना ग्लो आ रहा है आपके फेस पे, इतना शाइन मार रहे हो आप। तो ये हो गया जी, मैंने लगा दिया, तो चलें जी इसका ड्राई होने का वेट करते हैं और ड्राई होने के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट शो करवा देती हूँ। तो ये देखें जी, ये हो गया है मेरा बिल्कुल ड्राई, ये देखें ये है इस तरीके से। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें वॉश के बाद इसका रिजल्ट कैसे। तो ये लें जी, ये मैंने लगा लिया और उतार दिया, ये देखें यहाँ और यहाँ स्किन में भी फर्क नजर आ रहा होगा। और ये मजे की बात ये है, जिनकी स्किन लूज हो जाती है, लटक जाती है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। अब मेरे हाथ की स्किन ना एकदम से ऐसे खींच गई है, टाइट हो गई है, मैंने फेस पे भी अप्लाई किया हुआ है, मेरा फेस वाला भी ड्राई हो रहा है, पहला ड्राई हो चुका है, फिर मैंने सेकंड लेयर भी लगा दी है। तो ये देखें बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिजल्ट, और आपका जो है ना वो जो बार बार फेस पर ऑयल आता है ना, आप एक बार ट्राई करो और देखो फिर कितने दिन आपकी जो है ना वो जान छूट जाती है फेस के ऑयल से। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि ज़्यादा नहीं तो वीक में एक टाइम लाजमी यूज़ करें, ताकि जो है वो बार बार आपकी ऑयल से भी जान छूट जाए, जो इतना बार बार फेस पे ऑयल आता होता है तो बंदे को बहुत मुश्किल होता है, ऐसे उसमें ना कोई बेस कोई भी चीज़ लगा भी लो तो वो भी समझ में नहीं आती है, थोड़ी देर के बाद वो पूरा जो है सब कुछ डिसकलर सा हो जाता है। तो मज़े का जो है वो ये मास्क है और 100% रिजल्ट्स हैं, खुद ट्राई करके आप लोगों के सामने चेक करवा रही हूँ। फेस पे भी अप्लाई किया हुआ, फेस शो नहीं करवा सकती, वरना मैं अपने फेस पे भी आप लोगों को दिखा देती। तो चलेंगे, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट्स के साथ, या फिर जो है किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। बल्कि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कल मेरा पूरा है, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं कल कोशिश करूंगी कि लाइव आके आप लोगों को अपनी स्किन पॉलिश का रिजल्ट शो करवाऊँ। ठीक है जी, स्किन पॉलिश भी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे पास, लेकिन
उसका जो है जब लाइव रिजल्ट दूंगी तब आप लोग मुझे जो है ना उसका बताइएगा। मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने लाइव में आके और फिर रिजल्ट दूंगी। और बहुत ही जबरदस्त कमाल की स्किन पॉलिश है। तो नेक्स्ट विश वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी स्किन पॉलिश की या फिर किसी प्रोडक्ट के हवाले से। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, दुआओं में रखिएगा मुझे भी याद, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।